चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जिसकी लेंथ 20√2 meter है विद वेलोसिटी u फ्रॉम द पॉइंट m एज शोन इन द फिगर। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज, ये 45 डिग्री होगा, 450 नहीं होगा, एंड द टॉप इज कनेक्टेड टू अ वेल ऑफ 40 meter। इफ द बॉडी जस्ट मैनेज टू क्रॉस द वेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? यहाँ पे बॉल को यहाँ से निकल रही है, 45 डिग्री के एंगल पे निकलेगी क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, और ये जस्ट मैनेज कर रही है, यहाँ से पास कर ले रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी है u, क्वेश्चन में बोल रहा है, और यहाँ वेलोसिटी हम कंसिडर कर लेते हैं v है, जो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है v, ठीक है। तो यहाँ की वेलोसिटी v निकालनी है आपको, कितनी होगी कि जस्ट वो पास कर जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ये जस्ट मैनेज कर रही है तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ बाई जी, करेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेंज हो गया 40 मीटर क्योंकि इस रेंज को क्रॉस कर ले रहा है, ठीक है। यू की वैल्यू यानी यहाँ पर वेलोसिटी वी है, तो वी स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 45 होगी, साइन 45, 2 × 45 90 डिग्री आता है, डिवाइडेड बाय जी, जी की वैल्यू 10 कंसिडर कर लेते हैं, साइन 90 ये होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400, और वी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड वी की वैल्यू, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर u की वैल्यू भी पूछे तो कैसे करेंगे, मान लो u की वैल्यू भी पूछ ले रहा है क्योंकि दिया तो है नहीं, तो इसके लिए सबसे पहला ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर वेलोसिटी u है और टॉप पे पहुंचा, यहाँ पर इस जगह पे पहुंचा, तो वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, s इज इक्वल टू 20√2, ठीक है। और क्योंकि ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 45 है, तो ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है, 45 होगा, तो g एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा, g साइन थीटा, जो थीटा 45 है, तो g साइन 45 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू g साइन 45 हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव में होगी क्योंकि मोशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और g साइन थीटा की वैल्यू नीचे की तरफ है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी वी, वी की वैल्यू कितनी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है, माइनस 2g साइन 45 इंटू डिस्टेंस कितना है 20√2, राइट साइड में ऊपर की तरफ है, प्लस में होगा 20√2। अब इसी को सॉल्व करके यू की वैल्यू निकाल लोगे, यू की वैल्यू कितनी आएगी चेक कर लो, यू स्क्वायर इक्वल टू 400 और ये प्लस में हो जाएगा 20 हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 रख दिया, 20 1/√2 इंटू 20√2, रूट टू से रूट टू क्या 400 800 यू स्क्वायर टू 800 का मतलब रूट में 800 का मतलब √8, इसका मतलब ये हो गया 20√2 हो जाएगा, 20√2 कौन सा ऑप्शन सही, ये डी, लेकिन उस केस में है जब यहाँ की वेलोसिटी, नीचे की वेलोसिटी पूछ रहा है, जब यहाँ की वेलोसिटी होगी तो 20√2, टॉप की वेलोसिटी की बात करेंगे तो वी की वैल्यू कह रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों में डिफरेंस है, ये पॉइंट याद रखना, ये चीज भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में तो v पूछ रहा है यानी टॉप की वेलोसिटी, तो टॉप की वेलोसिटी v है और वो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, नीचे की वेलोसिटी पूछेगा तो 20√2 आंसर देना है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।